दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो और अभी तक ब्रॉन्ज कैटेगरी में हो या आप नए सेलर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट में तीन टायर होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। जब आप फ्लिपकार्ट पे नया अकाउंट बनाते हो यानी कि नए सेलर होते हो तो बाय डिफॉल्ट आप ब्रॉन्ज सेलर होते हो और ब्रॉन्ज वाले की विजिबिलिटी सबसे कम होती है, उसके बाद सिल्वर वाले की विजिबिलिटी होती है और सबसे ज्यादा विजिबिलिटी गोल्ड वाले की होती है। ब्रॉन्ज से सिल्वर में जाने के लिए आपको या तो 90 दिनों के अंदर यानी कि 3 महीनों के अंदर 25 लाख की सेल करनी होती है या 3000 ऑर्डर पूरे करने होते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, आप ब्रॉन्ज से सिल्वर में चले जाओगे और गोल्ड के लिए आपको या तो 50 लाख की सेल करनी है या 6000 ऑर्डर पूरे करने हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप कर लो, आप गोल्ड में चले जाओगे। फ्लिपकार्ट का एक नया अपडेट आया है जो नए सेलरों के लिए या जो ब्रॉन्ज सेलर हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। वो अपडेट ये है कि अगर आप सिल्वर में 3000 ऑर्डर पूरे नहीं भी करते हो, 50% ऑर्डर पूरे कर लेते हो यानी कि सिर्फ 1500 ऑर्डर, तो भी आप ब्रॉन्ज से सिल्वर में चले जाओगे। कंडीशन ये है कि आपका ग्रोथ इंडेक्स 1.5 होना चाहिए। ग्रोथ इंडेक्स क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और गोल्ड के लिए अगर आप 6000 ऑर्डर पूरे नहीं करते हो, सिर्फ 50% उसमें भी 3000 ऑर्डर पूरे कर लेते हो और अगर आपका ग्रोथ इंडेक्स 2 होता है तो भी आप गोल्ड में चले जाओगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फायदेमंद अपडेट है फ्लिपकार्ट का नए सेलरों के लिए। दोस्तों 30 नवंबर को फ्लिपकार्ट की तरफ से सभी के पास एक मेल गया था कि वो अब एक ये नया अपडेट ऐड कर रहा है टायरिंग चेंज करने के लिए। मैं आपको पूरा उनका मेल दिखाता हूं और ग्रोथ इंडेक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मेल आया था 30 नवंबर 2020 को। ये पूरा मेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीज है वो बस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इट गिव्स अस ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट अ न्यू क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ इंडेक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ थर्ड ऑप्शन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर द हायर टायर इफ यू आर ग्रोइंग एट अ हायर पेस एज कंपेयर टू योर रेस्पेक्टिव वर्टिकल। देखो इसका पूरा मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले यहां पर हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे टायरिंग शो हो जाएंगी, जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। डायमंड ये हमारे लिए नहीं है, ये स्पेशल जो स्पेशल केस होते हैं ये उनके लिए हैं। फिलहाल अभी आप लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि शिपिंग फीस पे ब्रॉन्ज वाले को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिल्वर वाले को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और गोल्ड वाले को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट साइकिल ब्रॉन्ज वाले की 15 दिनों के बाद है, सिल्वर वाले की 10 दिन और गोल्ड वाले की 7 दिन। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ब्रॉन्ज वाले की सबसे कम है, सिल्वर वाले की मीडियम है और गोल्ड वाले की हाई है। अकाउंट मैनेजर ब्रॉन्ज वाले को नहीं मिलेगा, सिल्वर वाले को मिलेगा और गोल्ड वाले को भी मिलेगा। ऐसे ही सेलर सपोर्ट ब्रॉन्ज वाले को रेगुलर रहेगा, सिल्वर वाले को फ्लिपकार्ट केयर टच और गोल्ड वाले को भी फ्लिपकार्ट केयर टच। इसके बाद एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इवेंट्स, जो फ्लिपकार्ट के इवेंट्स होते हैं उसमें ब्रॉन्ज वाले को इनविटेशन नहीं जाएगा, सिल्वर वाले को भी नहीं जाएगा, सिर्फ गोल्ड वाले को इनविटेशन जाएगा। तो ये तो सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है मेन चीज, ये जो है ना रिवेन्यू। देखो जब हम ब्रॉन्ज से सिल्वर में जाते हैं या ब्रॉन्ज से गोल्ड में जाते हैं तो या तो गोल्ड वाले को 50 लाख की सेल करनी होती है, ये पहला क्राइटेरिया, या 6000 यूनिट पूरी करनी होती है, ये दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया ये ऐड हो गया, या तो 2 ग्रोथ इंडेक्स हो प्लस 3000 यूनिट, या तो ये कर लो आप। और सिल्वर वाले के लिए 25 लाख की सेल करो या 3000 यूनिट पूरी करो या 1.5 ग्रोथ इंडेक्स प्लस 1500 यूनिट यानी कि 50% यूनिट।
तो अब बात आती है कि ग्रोथ इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, देखो ग्रोथ इंडेक्स मैं आपको बता दूं, यहां पर भी इन्होंने लिखा हुआ है, कहां गया कहां गया, ये रहा। द ग्रोथ इंडेक्स डिफाइन्स द ग्रोथ रेट ऑफ योर सेल्स एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ द वर्टिकल यू सेल इन। पहले बात समझो कि वर्टिकल क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि वर्टिकल क्या होता है। देखो सपोज करो आप एक स्पीकर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो स्पीकर एक वर्टिकल है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये टीवी, ऑडियो, एमपी3 प्लेयर या मोबाइल एंड एसेसरीज की कैटेगरी में आएगा। उस कैटेगरी में स्पीकर के एक ऑप्शन होगा, तो स्पीकर एक वर्टिकल हो जाएगा। अब ग्रोथ इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रोथ इंडेक्स आपकी 90 डेज की परफॉर्मेंस पे कैलकुलेट होगा। अगर आपने 90 डेज में अपने वर्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू अदर सेलर्स, और सेलर्स के मुकाबले अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस पे आपका ग्रोथ इंडेक्स कैलकुलेट होगा। और अगर आप 1.5 ग्रोथ इंडेक्स पूरा कर लेते हो, साथ में 1500 यूनिट पूरी कर लेते हो, तो आप सिल्वर में चेंज हो जाओगे ब्रॉन्ज से। और अगर आप 2 ग्रोथ इंडेक्स पूरा कर लेते हो या 3000 यूनिट पूरी कर लेते हो 90 दिनों में, तो आप गोल्ड में कन्वर्ट हो जाओगे ब्रॉन्ज से। तो ग्रोथ इंडेक्स को समझो, ग्रोथ इंडेक्स का मतलब है आपकी परफॉर्मेंस 90 दिनों की कंपेयर होगी अदर सेलर से पर्टिकुलर वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब अगर आप स्पीकर सेल कर रहे हो, तो उस स्पीकर में मतलब उस वर्टिकल में आपकी परफॉर्मेंस नोट की जाएगी कि कैसी आपकी परफॉर्मेंस है कंपेयर टू अदर सेलर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ग्रोथ इंडेक्स। ये फ्लिपकार्ट अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया इन्होंने, बस मेल में ये लिखा हुआ है कि ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो ये नया ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना टायर चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।